Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, and the concept of circle. What is circle? A complete turn has 360 degree. हमने जो previous lectures लिए हैं about angles, angles में हमने देखा था सारा के पास ये एक Japanese fan था, जैसे protractor D shape में होता है, वो semi circle होता है, half circle, वो आपके पास इस type में कुछ इस तरह से angle बनता है। अगर आप उसको complete turn करें मीन्स के उतना ही आप अगर सेमी सर्कल है सेमी सर्कल और ले लें तो ये आपके पास फुल सर्कल होता है और फुल सर्कल कितनी डिग्री का होता है 360 डिग्री। वो कहते हैं एक कंप्लीट टर्न को हम क्या कहेंगे 360 डिग्री। द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न, जो कंप्लीट टर्न के मदद से एक शेप बनाई जाती है इज द शेप ऑफ अ सर्कल। उस शेप को हम क्या कहते हैं सर्कल। मीन्स के 180 तक हम करते हैं, उसको अगर आप कंप्लीटली टर्न करें उसका डबल करें 180 का तो वो आपके पास 360 डिग्री बनता है। जब आप उसको डबल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्कल शेप में आ जाता है, क्योंकि आपने देखा प्रोटेक्टर हाफ सर्कल की शेप में होता है सेमी सर्कल। जब आप उसको कंप्लीट टर्न करेंगे उसका डबल करेंगे तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। लुक एट सारास फैन नाउ फुली ओपन टू मेक अ सर्कल। अब ये हमने जब ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तो एक्सरसाइज 7B से पहले ये हमने देखा था सारास जापानीज फैन, उसने इसको थोड़ा थोड़ा ओपन किया था हमें एंगल्स को क्लियर करने के लिए। अब उसने अपने जापानीज फैन को फुल ओपन कर लिया है क्या करने के लिए, एक सर्कल बनाने के लिए। देखिए जब वो फुल ओपन हुआ है तो वो एक सर्कल बन गया है। इफ वी मेजर ईच फोल्ड ऑफ हर फैन, अगर हम उसके जो उसने फैन को ओपन किया है अगर हम उसको मेजर करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द एज, उसके सेंटर से एज तक बॉर्डर तक, ये इसका सेंटर है, ये टोटल सर्कल है, ये इसका सेंटर है इसके एज तक। एक बात और, जो आपका सेंटर होता है सेंटर से आप सर्कल का कोई भी एज ले लें, चाहे यहां पर ले लें चाहे यहां पर ले लें, सेंटर से उसके हर बॉर्डर के हर पॉइंट तक उसका डिस्टेंस डिफरेंट होता है। चाहे वो आप सेंटर से यहां तक देख लें, सेंटर से यहां पे, सेंटर से यहां पे, आपके पास उसका डिस्टेंस इक्वल होता है। वी फाइंड दैट द लेंथ स्टेज द सेम, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, आपके पास लेंथ उसकी सेम होगी जिस भी पॉइंट से आप उसको मेयर कर लें। अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ है, विच रास्ता है, विच इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट की मदद से बनता है जो कि उसका सेंटर होता है। ये एक सर्कल का सेंटर, यहां पे चेक करते हैं, ये देखें ये एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंट मार्क्ड है ये इसका सेंटर है। वो कहते हैं कि इसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री में जितने भी पॉइंट हैं चाहे वो यहां पर लें चाहे आप यहां पर लें यहां पर लें, इस सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां तक, उसकी बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ले लें आपके पास उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। लेट्स नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट सर्कल्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स, हम मजीद सर्कल के बारे में जानते हैं और उसकी स्पेशल फीचर्स, उसके जो खसूसियात हैं उसके बारे में देखते हैं। यूजिंग अ स्मॉल प्लेट और द बेस ऑफ अ टम्बलर और अ बॉटल, एक छोटी प्लेट लें या फिर जो आपके पास एक बॉटल होती है जो उसके बॉटम पे आपके पास होती है वो गोल होती है आपके पास सर्कल शेप में। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे, एंड कट इट आउट और इसको कट करें। रन योर फिंगर राउंड इट्स एज, आप अपने फिंगर्स की मदद से उसके एज तमाम बॉर्डर पे उसको चेक करें, मींस कि अपने फिंगर से उसके बॉर्डर के हर पॉइंट को टच करें। स्टिक अ स्ट्रिंग अलोंग इट, आपके पास
जो आपका जो सेंटर होगा ना, आप जब उसको आपने कट कर लिया एक पेपर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्कल ड्रॉ किया, फिर आपने उसको कट कर लिया। जब आपने कट किया तो बाउंड्री पे आपके पास, जो बाउंड्री पे आप जब अपनी फिंगर को रन आउट करेंगे तो आपके पास स्टिक अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपके पास क्या होती है, स्टिक अ स्ट्रिंग, उसके साथ एक कोई भी डोरी टाइप आपको इस तरह से साथ, जैसे आप जब फिंगर से करेंगे तो क्योंकि उसका वो फिक्स्ड है उसकी बाउंड्री, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। दिस एज इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये एज, ये बॉर्डर जो होता है, इसको हम सर्कल का क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मींस के ये आपके पास सर्कल है, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, जो इसका बॉर्डर है, जो इसका एज है, इस बॉर्डर को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ फोल्ड योर सर्कल इन हाफ। अब आप अपने उस पेज को, सर्कल को फोल्ड कर दें हाफ में। ठीक है, ईच हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। सर्कल को जब हाफ करेंगे तो उसके टू पार्ट्स होंगे और दोनों पार्ट्स को हम कह सकते हैं सेमी सर्कल। सेमी इज एन अदर वर्ड फॉर अ हाफ। सेमी एक ऐसा लफ्ज है जो हाफ के लिए यूज होता है। देखें, ये हमने जब इसको हाफ किया, ये सेमी सर्कल बन गया, और देखें ये बिल्कुल प्रोटेक्टर की शेप में आ गया आपके पास। ओपन अप योर सर्कल। अब आप उसको ओपन कर दें एंड ड्रॉ अ कलर्ड लाइन। जब आप अपने पेज को फोल्ड करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में, जब आप उसको दोबारा ओपन करेंगे तो उसमें एक लाइन सी बन जाएगी, वो कहते हैं उस लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, लाइन अलोंग द फोल्ड, जहां पे जहां से फोल्ड किया था उस पे एक लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब उसके मिड में से बिल्कुल जो लाइन गुजरती है, एक सर्कल के मिड में से जो लाइन गुजरती है वो लाइन डायामीटर होती है, और एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, अब सेंटर से बॉर्डर तक, इस साइड पे नहीं, सेंटर से बॉर्डर तक, सेंटर से एक साइड के बॉर्डर तक, दूसरी साइड उसको कवर नहीं करती, वो होता है उसका रेडियस। ठीक है, ये अगर आपका सेंटर है तो सेंटर से यहां तक आपके पास ये होता है रेडियस, और अगर इस रेडियस सेंटर, आप इधर आपने रेडियस लिया है, इस साइड पे भी रेडियस ले लें, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर आपके पास टोटल हाफ होता है और रेडियस उसका फोर्थ पार्ट होता है। ये जो लाइन है आपके पास सेंटर से यहां तक, ये रेडियस है, और डायमीटर ये कंप्लीट लाइन है। डायमीटर आपके पास कोई भी लाइन इस तरह से, अगर आप इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो इसके सेंटर को पास करती हो, चाहे वो इस शेप में हो, चाहे वो इस शेप में हो, या फिर जो आपके पास गिवन शेप है, आपके पास वो डायमीटर होती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो डायमीटर कहलाती है। दिस लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को मिलाती है, ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मीन्स के एक लाइन को सर्कमफ्रेंस में मिलाती है, दूसरी तरफ से भी उसको सर्कमफ्रेंस से मिलाती है, एंड पासिस थ्रू द सेंटर, और सेंटर से गुजरती है ऑफ द सर्कल, सर्कल के इज कॉल्ड द डायमीटर, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो जगह पे कट करती है, मींस के सर्कमफ्रेंस से दोनों तरफ से मिलाती है और सेंटर में से गुजरती है, उस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। ओके, द लाइन फ्रॉम द सेंटर, वो लाइन जो सेंटर में से ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस, और वो लाइन जो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे जाती है, मींस के दो, अब जो डायमीटर की लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, डायमीटर की जो लाइन होगी वो, अब ये डायमीटर की लाइन है, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस यानी के बॉर्डर पे दो जगह पे कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये डायमीटर है। बट रेडियस जो होता है वो सर्कल के यहां से लेकर सर्कमफ्रेंस की किसी एक पॉइंट पे कट करती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द रेडियस। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई रेडियस। मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। रेडियस हाफ होता है
और उसी का रेडियस का ही डबल कर दें तो वो सर्कल का डायमीटर बन जाता है। रेडियस बेसिकली एक सर्कल को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करता है, उसका फोर्थ पार्ट जो होता है एक पार्ट उसको हम रेडियस कहते हैं। फोल्ड योर सर्कल बैक इन हाफ, अपने सर्कल को दोबारा से हाफ में फोल्ड करें अलोंग द डायमीटर फोल्ड, जिस तरह आपने डायमीटर के लिए फोल्ड किया था। देन फोल्ड योर सेमी सर्कल इन हाफ, जब आपने अपने सर्कल को फोल्ड किया तो वो सेमी सर्कल बना। अब वो कहते हैं सेमी सर्कल को भी फोल्ड कर दें, जब आप आधे सर्कल को भी फोल्ड कर देंगे तो वो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, जब वो इस शेप में आएगा तो वो एक सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा और इस फोर्थ पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास ये सेंटर की लाइन है जो एक पॉइंट पे जब टच करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। यू हैव मेड अ क्वाड्रेंट और अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, इस तरह से आप सर्कल का एक क्वार्टर बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास वॉच होती है उस पे आपके पास 1 से लेकर 3 तक आपके पास एक क्वार्टर बनता है, फिर 3 से, इस तरह से जब उस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेम एज हेयर। ओपन योर सर्कल अगेन, दोबारा से अपने सर्कल को ओपन करें। यू विल नाउ फाइंड अ न्यू फोल्ड, अब आपके पास कुछ नई लाइंस भी ड्रॉ होंगी। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन अलोंग इट इन अ डिफरेंट कलर, अब अपने जो आपके पास लाइंस बनी है उनको इक्वल डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ करें। मेक अ डॉट वेयर द टू फोल्ड्स क्रॉस ईच अदर, उस पॉइंट को आप मार्क करें जिस पे सारी लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देखें जब आपने उसको हाफ में फोल्ड किया था तो आपके पास ये लाइन बनी थी। ठीक है, ये लाइन बनी थी जो जिसने उसको सेमी सर्कल में डिवाइड किया था। फिर आपके पास सेंटर से लेकर यहाँ तक आपने जब इसको फोर्थ पार्ट में किया तो आपके पास ये कोर लाइन 2 बनेगी, आप इनको भी अलग से आप मार्क कर दें। दिस पॉइंट मार्क्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो मार्क्ड पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल का सेंटर। टू मेक एन एक्यूरेट सर्कल, एक बिल्कुल ट्रू एक करेक्ट सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कलेक्ट दिस आइटम्स, इन चीजों की आपको जरूरत है, वो क्या क्या है। नंबर 1 अ शीट ऑफ पेपर, नंबर 2 अ पेंसिल, पेयर ऑफ कंपासेस, आपको एक पेपर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और कंपास चाहिए आपको। ओके, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, इस तरह से कंपास में आपने पेंसिल को फिक्स करना है और फिर पेपर चाहिए होगा जिस पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है आपके पास प्लेस द पिन और द पिवट ऑफ द कंपस इन द मिडल, अब आपने अपने कंपस को एक पिवट पॉइंट मीन्स के एक पॉइंट पे फिक्स करना है। ये आप कंपस को आपने यहाँ से होल्ड करना है, यहाँ से पकड़ना है और उसका जो पिवट है, ये जो इसकी पिन है, इसको पेपर के एक पॉइंट पे फिक्स करें। ठीक है, एक्सटेंड द पेंसिल आर्म अबाउट 3 सेंटीमीटर, और जो पेंसिल वाली आर्म है, ये कंपस है, इसकी 2 आर्म्स हैं। जो पेंसिल आपने फिक्स करने के बाद पेंसिल की जो आर्म्स है और ये जो आर्म है, दोनों आर्म्स को तकरीबन 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप ओपन करें। देन केयरफुली मूव द पेंसिल आर्म राउंड द पिवट, और फिर इस पिवट पॉइंट, ये जो आपका पिवट था, इसके इर्द गिर्द आप बहुत एहतियात से पेंसिल को मूव करें। इट मेक्स अ परफेक्ट सर्कल, इससे आपके पास एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। एग्जाम्पल से आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है, मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, फाइंड इट्स रेडियस आल्सो, एक सर्कल उसका डायमीटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद अ स्केल बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्कल टू द अदर एंड। डायमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायमीटर को मेजर करना है रूलर की मदद से और वो एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो आप कैसे करेंगे, सर्कल आपके पास ड्रॉ है, रूलर लें और उसको सर्कल के हाफ में रखें। ठीक है, हाफ में रख के फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का सेंटर पॉइंट फिक्स करें। सेंटर पॉइंट फिक्स करने के बाद आप फिर उसके उसमें से पास करते हुए एक लाइन उसको गुजारें, पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर में से गुजरती हो। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उस लाइन यहाँ पे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये देखें ये सर्कल था, ये पहले सेंटर को फिक्स किया, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो सर्कल में से कट करती हो और
सेंटर में से कट करती हो और सेंटर में से पास करती हो, उसको कट करती हो और सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। फिर आप इसको मेजर कर लें। डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज इक्वल टू, अपने रूलर को रख के रूलर को आपने किस तरह फिक्स करना है, यहाँ पे आपके रूलर का जीरो पॉइंट होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे देखते जाएं कि उसकी एंडिंग पॉइंट क्या होगी, यहाँ पे फोर होगा, इट मीन्स कि ये डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो आपके पास 4 सेंटीमीटर का अगर सर्कल था, 4 सेंटीमीटर सॉरी आपके पास डायमीटर था, तो आपके पास रेडियस कितना आएगा, ऑब्वियसली 4 का हाफ क्या होता है, 2, सो आपके पास रेडियस क्या आएगा, 2। नंबर 2 क्या है, इन द गिवन सर्कल ड्रॉ द डायमीटर, मेक द सेंटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड रेडियस। आपके पास यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया गया है उसमें ए बी ये जो लाइन है, ये आपके पास जो सर्कल था इसमें 4 सेंटीमीटर लाइन थी और इसका हाफ क्या था, 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था और 2 सेंटीमीटर फिर इसका रेडियस था। लेकिन ये जो आपके पास सर्कल है इसमें आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है। आपने फिर रेडियस क्या होगा उसका, ये आपने मेजर करके चेक कर लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है रूलर की मदद से, रेडियस 5 का हाफ 2.5, 2, 2, 4 और 0.5 होते हैं 1, तो 2.5, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 5 का हाफ क्या होगा, 2.5, सो रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट अबाउट सर्कल आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।